जी हम देख रहे हैं लगातार आप रोड शो कर रही है राजस्थान में, भीड़ अच्छी मिल रही है, वोट में कन्वर्ट होगी? बिल्कुल होगी, भीड़ वोट में ही कन्वर्ट होती है और सब लोग समझ चुके हैं। और इस बार आप देखिएगा सेकंड फेज में लोग घर से बाहर निकलकर वोट जरूर डालेंगे। कई बार क्या होता है, ये सोचते हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं, सरकार बननी है, तो लोग कई बार इसको इजी लेते हैं, बाहर नहीं निकलते। लेकिन इस बार अब सब समझ गए हैं कि नहीं, हमको बाहर भी निकलना है और वोट जरूर डालना है। और आपने देखा अभी इतनी गर्मी में लोग स्वागत करने बाहर आ रहे हैं, तो वोट करने क्यों नहीं जाएंगे, पक्का जाएंगे और अच्छे अच्छे वोट मिलेंगे। दामोदर जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, पिछली बार तो नंबर वन आई थी भीलवाड़ा, इस बार भी पूरी संभावना है कि नंबर वन आएगी। पहले फेज में कम पोलिंग हुई, उसका क्या असर होगा? उसका कोई असर नहीं होगा, उसमें ये है कि शादियाँ थी उस दिन बहुत और गर्मी भी बहुत थी, अभी भी गर्मी है। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने लगातार अपील की है कि आपको अपने घर से बाहर निकलकर वोट जरूर कास्ट करना है, बहुत जरूरी है। चाहे शादी हो, चाहे त्योहार हो, चाहे कोई भी काम हो, वोट करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। और अब समझ गए हैं लोग भी, वोटर्स भी समझ गए हैं कि नहीं, हमारा वोट बहुत महत्वपूर्ण है और हमें वोट डालना है। ये नहीं सोचना है कि हाँ मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी जी तो जीत रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे मार्जिन से आपका सांसद जीते तो और भी अच्छी बात है। पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद में जो राजपूतों की नाराजगी, उसको दूर करने के लिए आपने काफी कोशिश की? ऐसा नहीं है, अब सब ठीक है और सब लोग वोट करेंगे। बीजेपी का जो वोटर है वो बहुत सारी चीजें देखता है। नमस्ते। और अब सब समझ गए हैं लोग कि नहीं, हमको हमारे देश के भविष्य के बारे में सोचना है, हमको हमारे देश को एक विकसित भारत बनाने के बारे में सोचना भी है। और मोदी जी काम भी कर रहे हैं, मोदी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं वो सब देख के हर वर्ग मोदी जी के लिए वोट करें। अरे भाई साहब कितनी सीटें जीतेंगे आपको क्या लगता है, कितनी सीटें जीतेंगे? 25 सीटें और 400 पार। कैमरा मैन मनीष साहब, भवानी सिंह, भीलवाड़ा, न्यूज 18 इंडिया। सैम पित्रोदा के संपत्ति वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो विरासत पर टैक्स लगाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर लोगों की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस आपकी पैतृक संपत्ति अपने बच्चों को देगी। सैम पित्रोदा के संपत्ति वाले बयान पर अमित शाह का जोरदार हमला, कहा कांग्रेस की छिपी मंशा सामने आई। सैम पित्रोदा के संपत्ति पर टैक्स वाले बयान का उदित राज ने किया समर्थन, कहा टैक्स पॉलिसी से ही अमेरिका आगे बढ़ा। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा, विरासत टैक्स पर बयान को सैम पित्रोदा का निजी बयान बताया। विरासत टैक्स पर दिए बयान पर सैम पित्रोदा की सफाई, कहा उदाहरण के लिए यूएस विरासत टैक्स की बात की। बीजेपी के अमित मालवीय ने सैम पित्रोदा का एक वीडियो ट्वीट कर कांग्रेस पर लगाया भारत को बर्बाद करने का आरोप, कहा कांग्रेस आई तो 50% विरासत टैक्स देना होगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सैम पित्रोदा पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस माताओं और बहनों की संपत्ति हड़पना चाहती है। सामाजिक न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र से पीएम घबराए हुए हैं। राहुल गांधी ने फिर किया जाति जनगणना कराने का दावा, कहा कांग्रेस सरकार बनते ही पहला काम जाति जनगणना का होगा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर प्रशंसा की, उन्होंने कहा भारत के विकास के लिए पीएम मोदी ने अविश्वसनीय काम किया। 26 अप्रैल को यूपी के बरेली में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी की कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, कल नामांकन कर सकते हैं दाखिल। आज दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। सीएम योगी ने यूपी में बीजेपी के मीडिया वॉर रूम का उद्घाटन किया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद रहे। दिल्ली में चुनाव में वोटिंग के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने 13 आम आदमी पार्टी विधायक और एक बीजेपी विधायक को मनोनीत किया, 26 अप्रैल को दिल्ली मेयर के लिए मतदान होगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सेना के एक जवान के घायल होने की खबर। सलमान खान के घर हुई फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच का बड़ा पर्दाफाश, वारदात के बाद शूटरों ने अनमोल बिश्नोई के कहने पर मुंबई से सूरत के लिए बुक की थी टैक्सी।
संदेश खाली में ईडी पर हमला मामले में सीबीआई ने 16 और लोगों को समन भेजा, सभी पर मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की मदद का आरोप। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक ढाबे पर खाने को लेकर हुई मारपीट, बवाल का सामने आया सीसीटीवी वीडियो, देर से खाना परोसने को लेकर हुआ था विवाद। पश्चिम बंगाल के हुगली में दवा के गोदाम में लगी भयंकर आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के एक स्कूल में गर्ल्स कैंपस में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इसराइल ने गाजा पर हमले का नया वीडियो जारी किया, गाजा के सेडरोट और किबुत्स ज़िक्र में हमले का दावा। भीषण बारिश की वजह से केन्या के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, रेड क्रॉस सोसाइटी ने बाढ़ से 38 लोगों की मौत और 11,000 से ज्यादा लोगों के बेघर होने का दावा किया। चुनावी दंगल के बीच मंगलसूत्र और संपत्ति के मुद्दे पर सियासी माहौल गर्म हो चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने संपत्ति के अधिकार का मुद्दा फिर उठाते हुए सैम पित्रोदा के बयान पर वार किया। सैम पित्रोदा कांग्रेस की इकाई इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सैम पित्रोदा ने अमेरिका में संपत्ति के अधिकार को लेकर बयान दिया था, पीएम ने उसी बयान को लेकर अब कांग्रेस को घेरा है और सैम पित्रोदा के बयान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन होता है, गहने जेवर होते हैं, कांग्रेस उनकी भी जांच कराएगी। यहां सरगुजा में तो हमारी आदिवासी बहनें चंदवा पहनती है, हंसूली पहनती है, हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती है। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले किया कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है, उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए।